सो हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। तो होपफुली आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, आज हम जा रहे हैं भीमताल बहुत ही खतरनाक एडवेंचर करने के लिए, जो कि है पैराग्लाइडिंग। तो बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है और साथ में डर भी लग रहा है थोड़ा बहुत। थोड़े दिन पहले हम गए थे बट वहाँ पे मौसम ख़राब था, तो इसी वजह से हम कर नहीं पाए थे। बट आज मौसम सही है, होपफुली वहाँ भी अच्छा हो पहाड़ों में और हम कर पाए पैराग्लाइडिंग। तो देखते हैं क्या सीन रहता है, बाकी मज़ा बहुत ही आने वाला है। और आज हम जाने वाले हैं हमारी न्यू कार में, फर्स्ट टाइम जाएंगे पहाड़ों पर लेके थार को, तो वो भी देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो अभी फिलहाल रेडी हो गए हैं और बस अब करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर निकलते हैं। तो चलो गाइस, और आज खाने में है मैगरोनी और साथ में खीर सेवई वाली। वैसे गाइस ये मैदा है तो अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए, बट कभी कभी चलता है। तो देखो ये रही हमारी न्यू कार, देखो कितनी सही लग रही है ना। तो आज जाएंगे इसमें फर्स्ट टाइम निर्मल भैया, मैं भैया और पीयूष, चार जने सही आ जाएंगे इसमें। और पहाड़ों के लिए तो बेस्ट है ये 4x4। तो कुछ भी कहो लेकिन लुक बहुत मस्त है इसकी, बेस्ट लगती है ये। ओलू क्या कर रही है यहाँ तू, चल अंदर। चलो गाइस निकलते हैं। तो गाड़ी लगा दी यहाँ पे पार्क और अब चलते हैं ऊपर पॉइंट पे, और हमें जाना है वहाँ पर ऊपर, बहुत टॉप है भाई। और हमारे साथ पीयूष के सर भी आए हैं, देखो वो रे, ये रहा एक, और हम भी अभी ऐसे ही उड़ेंगे। ओ भाई साहब, भाई बहुत हिल रहे, तो ये देखो ऊपर जा रहे हैं बिल्कुल टॉप पे जहाँ से होगी हमारी पैराग्लाइडिंग। गाड़ी यहाँ पे लगा दी है, ये देखो बस थोड़ा सा ऊपर है, रास्ता आप देख लो कैसा है। वो रहा ग्राउंड सामने, शायद वही है भाई साहब, बहुत ही ऊंचाई है यार, यहाँ से नीचे जाएंगे पूरा वहां तक। बट जो भी हो करेंगे हम, देखी जाइए जो होगा। तो आज एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलने वाला है, तो बस पहुंचेंगे वहां पे, जाना है हमें। चलो फटाफट। लग रहा है डर बहुत ज़्यादा लग रहा है, और क्या, फिर मैंने करी नहीं कभी पैराग्लाइडिंग। अब तो देखो ये है स्पॉट जहाँ से कराएंगे हमको पैराग्लाइडिंग, आपको दिखाते हैं। ये देखो यहाँ का व्यू, और अभी जो है थोड़ा बहुत फॉग हो रहा है, मौसम ज़्यादा ख़राब नहीं है बट ठीक ठाक मौसम है। बट टाइम बहुत लगने वाला है क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही पैराग्लाइडर है, पहले एक पर्सन जाएगा नीचे, उसके बाद फिर उसको ऊपर लेके आएंगे पैराशूट को। तो कैसे आप लोगों से एक बात कहनी थी, यहाँ पे आओ ऐसी जगह पे आओ तो प्लीज़ कचरा मत करो, ये देखो कितना कचरा ही कचरा है, तो पूरा ध्यान रखो। तो प्लीज़ गाइस ऐसा मत किया करो, यहाँ से होती है पैराग्लाइडिंग। हुर बारी है, खोलो, जाओ सर जाओ। पंछी बनू उड़ता फिरू, हमारे भारी सर गए। अबे अबे गए गए सर भी गए, अभी जा रहे हैं भैया, फिर जाएगा पीयूष, फिर जाऊंगा मैं, जाऊंगा नहीं आप लास्ट में। हवा कम है, वो मैं यही तो यहाँ पर चल रही है इंस्ट्रक्शंस कि क्या करना है कैसे जाना है। ओ उड़ गए उड़ गए, अबे भाई जब घुमाएंगे ना ये ऐसे ऐसे ऊपर नीचे तब लगेगा डर भाई, करेंगे अब तो जल्दी से। एक बंदे में आधे घंटे से ऊपर लग रहा है, यानी 40 मिनट के आसपास लग रहा है एक बंदे में, तो पता नहीं कब तक हमारी बारी आएगी। जिसका वेट ज़्यादा है वो पहले जा रहा है, इसलिए सर पहले गए थे और फिर भैया गए हैं। कम से कम दो तो होने चाहिए पैराशूट, एक ही है। दिक्कत ये हो रही है कि मौसम ख़राब हो रहा है और ठंड भी बढ़ रही है यहाँ पर बहुत, और शाम भी हो गई है, 4 बज गए हैं, पता नहीं कब तक नंबर आएगा। तो भाई अभी सिर्फ पीयूष और मैं रह गए दोनों भाई, हमको भी एक घंटा और वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। बाकी अभी तक एक्सपीरियंस नहीं लिया, सिर्फ देख ही रहे हम क्या हो रहा है। वो देखो सामने, अब गोप्रो इन्हें ले लिया, देखो सब ले रहे गोप्रो बारी बारी से। यहाँ पर पीयूष भी हो रहा है बोर, हो रहा बोर, उनको देखो अंकल को कैसे बैठे हैं मस्त। भैया जल्दी आओ यार ऊपर, हमको भी कराओ।
आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ पे है ग्राउंड, थोड़ा सा दिख रहा होगा यहाँ से, ये रहा यहाँ पे है देखो भैया, लैंड हो गए हैं और अब दोबारा से ऊपर आ रहे हैं पैराशूट लेके। भैया अब ख़त्म हो गया एक्साइटमेंट, अब कुछ एक्साइटमेंट नहीं हो रही, अब बस बोर हो रहे हैं बैठ के। अब हमको ये है कि जल्दी जल्दी घर जाए, बस नहीं करने पैराग्लाइडिंग, अब करने का मन ही नहीं कर रहा, इतना बोर हो गया हम बैठे बैठे। मैं तो कहूंगा जल्दी से सीधा लैंड करा, तो कुछ नहीं करना, कहेंगे भैया बस लैंड कराओ और हमको घर भेज दो, इतना लेट हो गए, इतना बोर कभी नहीं हुए बैठे बैठे एक साथ। तो चलो गाइस हमारी बारी आ गई है, अरे खुश हो गया, चल 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 जा दे, तो सही हो गया, अब जाएगा पीयूष, मिलते हैं तो भी भेज रहे हैं पीयूष को, बिकॉज पीयूष यहाँ पे अकेला नहीं रहेगा ना, उसको अकेला छोड़ना सही नहीं है। पीयूष ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अरे वाह उसको मजा आ रहा है। तो अभी गाइस सिर्फ मैं रह गया, पीयूष भी गया, अभी करते हैं वेट। तो सबसे देर तक करा पीयूष ने ही, पीयूष ने बहुत लंबा चक्कर मारा, पूरा आगे से लेके साइड से पूरा बहुत लंबा। मैं भी कह दूंगा भैया को, पायलट भैया को, कि प्लीज़ हमें भी थोड़ा ज़्यादा घुमाइए आगे तक। तो गाइस मेरे को यहाँ से हमारी गाड़ी दिख रही है, यहाँ पे है छोटी सी है, दिख रही होगी आपको शायद, पक्का थार है, फ़ोन में नहीं दिख रही बट मेरे को रियल में दिख रही है, वो गाड़ी यहाँ पे ले आए ग्राउंड पे। तो गाइस अभी देखो यहाँ पे देखो, पूरा फोग ही फोग हो गया, अभी तक कम था बहुत पीयूष की बारी तक, बट अब देखना यार पूरा कोहरा हो गया, बट करनी पड़ेगी, जाना है नीचे वहाँ। और वो देखो भैया आ गए, आ जाओ भैया आ जाओ, ये लास्ट ही है भाई, इसके बाद नहीं होगा, इसके बाद नहीं होगा। अच्छा लग रहा हमारा गोप्रो, इसकी बहुत जरूरत है, ऊपर हमारी लास्ट राइड है देख लो, इसके बाद होगी नहीं क्योंकि मौसम खराब हो गया देखो अब पूरा। अब देखो वाइड एंगल, बहुत ही मजा आ रहा है गाइस, बहुत ही हाइट पे हम आ गए हैं। मजा आ गया, टाइमिंग भी वापस आ गए वो लोग। ये देखो हम वहां से आए टॉप से, यहाँ पे ये पैराशूट अब करेंगे पैक, और मैं था आज का लास्ट पर्सन जिसने ये किया, अब नहीं होगा इसके आगे क्योंकि अब अंधेरा होने वाला है। तो चलो चलते हैं, गाड़ी हमारी यहीं पे आई हुई है भाई, नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था आज का, लेकिन बहुत ही वेट करना पड़ा, बहुत ज्यादा। हाँ चलो चलो और कंफर्ट करो। तो फिलहाल घर आ गए हैं और बस ये रात के 8, अब करते हैं इस व्लॉग को एंड, पता नहीं कैसा लगा आपको। और एक ही बात कहूँगा कि आप अगर आओ भीमताल साइड, नैनीताल साइड, तो जरूर ट्राई करना पैराग्लाइडिंग, बहुत ही मज़ा आता है, अलग ही एक्सपीरियंस है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।